Hello everyone, welcome to the new video. So today in this video I am going to talk about SRC GP24 का मैं प्रीवियस क्वेश्चन लाया हूँ. अगर आप लोग SRC GP25 टारगेट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए. इसमें मैं लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग के लिए प्रीवियस क्वेश्चन लाया हूँ जो हेल्प करेगी आपको मेले कैसे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग उतना टफ नहीं होता है गाइस. मेनली मैंने हमेशा बोला है कि रीजनिंग जो है गाइस आपको मेनली प्रैक्टिस के ऊपर चाहिए. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना गाइस आपके लिए बेनिफिशियल होगा. ठीक है, तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. एंड जो भी लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लो, ग्रुप्स पे जरूर से ज्वाइन हो जाना, दोनों व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे. और ये हम लोग इंस्टाग्राम की पेजेस में जरूर से फॉलो कर सकते हो. और कोई भी इंक्वायरी है तो कॉल और व्हाट्सएप इस नंबर पर कर सकते हो. कोई गाइस कोर्स देख रहे हो, अगर आप एसआरसी से डेडिकेटेड प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो 15 अगस्त से हम लोग कोर्स स्टार्ट हो रहा है. 3499 इसकी प्राइस है. ये सब सारी डिटेल्स है इस कोर्स के बारे में. ठीक है, यहाँ पे जी टी पे प्रिपरेशन टीच और क्लासेस सब आपको मिल जाता है. टीच में गूगल मीट पे क्लास होता है, आपको स्टडी मटेरियल सारा मिल जाता है और क्वांट्स वर्बल रीजनिंग डी ये सब. ठीक है, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सब सारा मिलता है, 5 फुल मॉक मिल जाता है. तो ये सब गाइस आपके डिटेल्स है. और गैस अगर मैं रिव्यूज की बात करूँ तो ये सब सारे रिव्यूज है जो आप लोग देख सकते हो. ये सब सारे 2023 के टॉप परफॉर्मेंस रहे हैं, स्नैप के भी हैं. ये सब सारे रिव्यूज है. सारे अचीवर्स हैं. ये सब MBA CET 24 के रिजल्ट है, CMAT 24 का रिजल्ट है. ये गाइस SRCC 2024 का फाइनल कन्वर्ट्स है. ठीक है, सक्षम विवेक, हरविंदर, स्वकीर्ति, सब सारे जो कन्वर्ट कर चुके हैं. और जो नीचे गाइस आएंगे ये सब सारे कन्वर्टेड है जो एडमिशन लिया SRCC में. ठीक है, और ये NIBM के हो गए, NIA के हो गए, टिस के हो गए. ये सब SRCC के जिन्होंने यहाँ पे स्कोर किया था, जिनको कॉल आई थी इंटरव्यू के लिए. ठीक है, तो ये सब गाइस रहा 23 का, 24 का, मतलब हर एक ईयर का है गाइस. ठीक है, तो आप लोग इसको देख सकते हो. ये GDPI के गाइस कन्वर्ट्स लास्ट टू लास्ट ईयर. ठीक है, ये सब सारे क्वेश्चन है जो आप पूछ सकते हो फ्रिक्वेंटली आप क्वेश्चन. अब चलो गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ. सो गाइस देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 2, 5, 10 है. ये मिसिंग नंबर है मेनली. ठीक है, नंबर सीरीज का है, 2, 5 है, 10 है, डैश है, 26 है, 3 का गैप है, फिर यहाँ पे 5 का गैप है, फिर यहाँ कितना होना चाहिए, दो दो गैप चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आई थिंक 7 का होना चाहिए, 17 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 9 का गैप आएगा, तो 17 इसका आंसर. ये इजी सा था. ठीक है, आगे बढ़ो. व्हाट इज द फॉलोइंग रिलेशन, एन और एम हस्बैंड होना चाहिए, हस्बैंड एंड वाइफ होना चाहिए एन और एम का. ठीक है, तो कैसे देखो तीन ऑप्शन दिख रहा है, इसको छोड़ो प्लस वाला गाइज आपको तीन दिख रहा है ना, तो पहले इसको देखते हैं कि एक्चुअली में मतलब सिमिलर लग रहा है. तो इज द फादर ऑफ बी, मतलब एन इज द फादर ऑफ टी. ठीक है, इसको हम लोगों ने चेक किया, टी एन डब्ल्यू, फिर एंड वाले को चेक करो. पहला भी ऑप्शन में देख रहा हूँ, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, मतलब टी इज द सिस्टर ऑफ डब्ल्यू. ये मैं माइनस का साइन दे रहा हूँ क्योंकि फीमेल माइनस है और मेल प्लस है. और W माइनस एक्स मतलब A इज द डॉटर ऑफ B, W इज द डॉटर ऑफ X, W इज द डॉटर ऑफ X. तो यहाँ पे X का तो गाइज यहाँ पे तो यहाँ डॉटर आ जाएगी, तो X तो यहाँ पे X और N यहाँ पे हस्बैंड वाइफ हो जाएगा. तो आई थिंक ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा. हैश वाला चेक करते हैं, तो हैश वाला गाइज इसको तो हटा दो, दूसरा नंबर मैं नहीं देख रहा हूँ. ठीक है, हैश वाले को चेक करो, W हैश X. हैश का गाइस है कि हाँ ये हो सकता है, W इज द ब्रदर ऑफ X. ठीक है, ये हो गए. अब यहाँ पे एक एंड वाला है और एक यहाँ पे, तो यहाँ पे एक चीज देखना, डॉटर है ना तो माइनस वाला ही देखो क्योंकि भाई बहन तो आएगा नहीं. तो यहाँ पे M देखो, ए माइनस होता है, ए इज द डॉटर ऑफ बी, मतलब एक्स इज द डॉटर ऑफ एम, तो यहाँ पे एम आ जाएगा. ऑप्शन 4 हो जाएगा, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ हो गया ये.
ठीक है, ऑप्शन फोर आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें नॉट बिलोंग कर रहा है फॉलोइंग सीरीज में। ठीक है, डी वाई हो गया, डी जेड क्यू हो गया, एच बी यू एनी जेड। तो एनी जेड, एच बी यू और डी वाई और डी जेड क्यू। अब देखो इसमें गाइस क्या आपको देखना है, इसमें कैसे क्या सिमिलर नहीं है वो चीज आपको देखना है। तो गाइस ऐसे तो देखो पता है इसमें नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें देखो बी है, वाई है, ठीक है। जिसमें गाइस कोडिंग से कर सकते हो, कोड सबका लिख सकते हो, जैसे कि बी का कोड क्या है, टू है। पहला मैं देख रहा हूँ टू है। वाई का कितना होता है गाइस, 25। सबको प्लस करके देखते हैं, ठीक है। इसका हो जाता है, ओ का तो कितना होता है आप लोगों को, ओ का आई थिंक 15 होता है, ठीक है। सबका ऐड का 5 5 10 12, 342 आ जाता है। फिर इसका डी जेड क्यू का देखो, डी का तो 4 होता है, जेड का 26 होता है, क्यू का 17 होता है, 7 6 13, 13 4 17 होता है, 2 3 4 47। एच बी यू का हो जाता है, एच का होता है 8, बी का 2 और यू का होता है 21, ठीक है। 8 9 10 11, 1 2 और 3 हो जाएगी 31। एनी रेड का देखो, एन का होता है तो 14 होता है, ई का 5, रेड का 26। इसका ऐड करो, 6 5 11 15, 2 3 4 45। तो गाइस देखो सबका 40 के ऊपर है, इस तीनों का अगर आपको दिख रहा है, जैसे कि 42 45 47 बढ़ रहा है। इसका देखो एक चीज यहाँ पे इसका घट रहा है, इसका ये वाले एच बी यू का। देखो मेरे हिसाब से एच बी यू यहाँ पे नॉट बिलोंग करेगा, बट आपके आंसर यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो गाइस इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एच बी यू आंसर होना चाहिए इसका, एनी जेड नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। इसका बाकी और कोई आप नहीं पता लगा सकते क्या हो सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो आपका कोड यहाँ पे दिया हुआ है, राइट और लेफ्ट है, इन द सीक्वेंस 9 एलिमेंट है, मिडिल ऑफ द 9 एलिमेंट को रिवर्स कर दो, व्हाट विल द 7 एलिमेंट टू द राइट। अच्छा ठीक है, पहले ना 9 एलिमेंट गिन लो, यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ तक 9 आएगा, इधर से भी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे भी 9 आएगा, तो मिडिल वाला ये 9 है, तो इसको रिवर्स करना है, ठीक है। ए को इधर लिख दो, मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। A4 है, M6 हैश, ये डिवाइड है ना 9 के, ठीक है। चलो इसको मैंने रिवर्स कर दिया, बोला था रिवर्स कर दो। अब बताना है देन विच ऑफ द फॉलोइंग द 7 टू द राइट फ्रॉम द 21st एलिमेंट फ्रॉम द राइट। तो पहले तो 21st एलिमेंट देखो, यहाँ तक 9 था, ठीक है, यहाँ तक 18 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आप लोग 18 हो जाएगा, ए तक 18, 19 20 21, ठीक है, 21st यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ से आपको 7th यहाँ पे राइट जाना है, इससे राइट जाना है, मतलब यहाँ से राइट, तो 1 2 3 सॉरी 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7, तो आपका 6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस इसका आंसर जो हो जाएगा वो 6 पे आपका 7th एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट करो, हाउ मेनी टू वेज प्रीसीडेड बाय 9 एंड फॉलो बाय एन इवन नंबर। तो देखो प्रीसीडेड मतलब पहले होता है, ठीक है, टू कितना है, तो एक यहाँ रहा, एक तो यहाँ पे है नहीं, 9 एक ये रहा, ये तो है नहीं, ठीक है। तो पहले तो है बट फॉलो नहीं कर रहे इवन नंबर को, तो ये तो नहीं होगा, ये देखो ये तो है नहीं, ये तो हटा ही दो, तो यहाँ पे एक है, ठीक है, फॉलो तो कर रहा है इवन नंबर को, एक ये है,
एक टू ये है बट ये नहीं है। हाँ एक यहाँ पे ये फॉलो कर रहा है, एक दो। आई थिंक यहाँ पे टू आना चाहिए, दो फॉलो कर रहा है ना, टू ही तो फॉलो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, टू यहाँ पे फॉलो कर रहा है, दो ऐसा टू है। इसको देखो गाइस, यहाँ पे आपको बताना है कि अच्छा, द मार्क ऑफ किरण है, द मार्क्स ऑफ किरण इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द हीना। ठीक है, तो इसको देखते हैं गाइस। मार्क्स ऑफ किरण ग्रेटर देन और इक्वल टू हीना, और हीना एंड टीना गॉट इक्वल मार्क, हीना और टीना गॉट इक्वल मार्क। ठीक है, द मार्क ऑफ टीना इज ग्रेटर देन उल्टी, द मार्क ऑफ टीना, टीना जो है इज ग्रेटर देन उर्वी। ठीक है, बट उर्वी मार्क्स लेस देन और इक्वल टू द मार्क्स ऑफ हीरा, लेस देन और इक्वल टू द हीरा है ना आई थिंक। या तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, उर्वी गॉट लेस देन मार्क्स देन दैट ऑफ किरण, उर्वी जो है लेस देन मार्क्स ऑफ किरण। ये तो आई थिंक ज्यादा है ना, देखो। ये तो सही है गाइस, आई थिंक उर्वी तो लेस देन है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे ग्रेटर देन है इक्वल है ग्रेटर, ये आई थिंक सही होना चाहिए। ईरा मार्क आर लेस देन और इक्वल टू टीना, ईरा का जो है वो लेस देन मार्क्स ऑफ टीना, ये तो टीना है, ये तो एक तो ग्रेटर है इससे बट स्मॉलर है, ये गलत है गाइस। ओनली ऑन स्टेटमेंट वन होगा यहाँ पे। ठीक है, ओनली जो स्टेटमेंट हो जाएगा आपका वन टू होगा। आगे बढ़ते हैं, सम सेट्स आर गेम, सम सेट्स आर गेम, ऑल सेट्स आर नेस्ट। ओनली ए फ्यू नेस्ट आर स्टेबल, ये फ्यू वाला ऐसे ऐसे कर लो। सम सेट्स आर डेन, ठीक है, सम केव्स आर नेस्ट होगा, सम केव्स आर नेस्ट होगा, जो सम केव्स आर नेस्ट या नेस्ट तो है ना यहाँ पर, ये तो होना चाहिए। नो सेट इज स्टेबल, नो सेट इज स्टेबल, कैस देखो नो सेट इज स्टेबल बोल रहे हैं यहाँ पे। देखो सेट है तो सेट जो है, सेट का कुछ हिस्सा तो इसमें है ना, यहाँ पे नेस्ट वाले में, तो आई थिंक नो सेट इज स्टेबल तो नहीं हो सकता, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो होगा सेट इसका स्टेबल और कुछ नहीं, तो नो सेट इज स्टेबल डायरेक्टली नहीं बोल सकते, तो इसका जो होगा यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे वन होगा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसने सही लगाया। ठीक है, आगे बढ़े, चलो देखो यहाँ पे मैन वॉक्स 10 मीटर साउथ है, तो सपोज कर लो ये मैन है 10 मीटर साउथ गया, देन टर्निंग राइट है, राइट इधर हो जाएगा तो ये 12 मीटर गया, देन टर्निंग टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 8 मीटर, अगेन ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक 5 मीटर, नाउ ही फार फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन, तो इनिशियल पोजिशन ये था गाइस, ये था। तो गाइस एक बात बताना है यहाँ पे, यहां से
यहाँ तक, ठीक है, एक तरह से यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे आई थिंक लगा सकते हैं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का ही यहाँ पे लगा सकते हैं। तो गाइस देखो यहाँ पे एक चीज कर सकता है, यहाँ पे जो इसका इतना हिस्सा है, ये वाला जो है, तो 12 में से 5 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपको, 7, ये इसके पैरेलल हो जाएगा इक्वल, तो ये 8 हो जाएगा, इस दोनों मिला के ये कितना आ जाएगा आपको, 18। और इसको भाई पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो, यहाँ हाइपोटेनस ही निकालना ना, ये आपका एच हो गया, तो एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 है ना, 7 का स्क्वायर 49, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 18 कितना होता है, 324, ठीक है, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 2, 6, 7 और 3, 373 गाइज मीटर यहाँ पे आपका राइट आंसर, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे रूट ये सब लगाया नहीं, ऐसे ही छोड़ आंसर दिया हुआ, ठीक है, तो ये भी गाइज इजी सा क्वेश्चन था। अब देखो इंट्रोड्यूसिंग ए मैन सोमू सेठ, मान लेते हैं एक मैन को इंट्रोड्यूस कर दो, ठीक है, तो ये आपको सोमू है, ये इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, ही इज द सन, ठीक है, ही इज द सन ऑफ माई डॉटर इन लॉ, ठीक है, ही इज द ओनली सन, ठीक है, ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई डॉटर इन लॉ। मान लेते ये जो मैन है, ठीक है, मैन जो है, ही इज द ओनली सन, ही इज द ओनली सन ऑफ ओनली डॉटर, ठीक है, ऑफ ओनली डॉटर, ठीक है, ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई डॉटर इन लॉ, ऑफ माई डॉटर इन लॉ, ठीक है, तो इसकी डॉटर इन लॉ, मतलब आई थिंक देखो, तो ये जो रहेगा सोमू जो होगा वो सबसे ऊपर आना चाहिए आई थिंक यहाँ, तभी तो इसकी डॉटर इन लॉ होगी ना, मतलब इसकी आई थिंक इसका ससुर होगा आई थिंक ये, ठीक है, इसका मतलब अगर हिंदी में बोला जाए तो, तभी तो इसका जो सन होगा ना मैन, हाउ इज सोमू रिलेटेड टू मैन, पेरेंटल ग्रैंड फादर होगा, ग्रैंड फादर ही ना होगा यहाँ पर, सबसे ऊपर रहेगा यहाँ पे, तभी तो इसकी डॉटर होगी, फिर यहाँ पे ये मैन आएगा, सोमू यहाँ पे क्या होगा, ग्रैंड फादर हो जाएगा, ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखना है, इसमें ना मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए ना यहाँ पे एक आपको हिंट दिया हूँ, ठीक है, मैं हिंट क्या थोड़ा आंसर बताया हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे दिया हुआ है ऑपरेशन विल बी परफॉर्म होल लॉट विदाउट ब्रेकिंग डाउन द नंबर इनटू द लाइक कॉन्स्टिट्यूएंट डिजिट्स, तो वैसे यहाँ पे देखोगे तो आपको एडिंग सब्ट्रैक्टिंग दे रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाइंग 30, यानी फिर लाइक ब्रेकिंग डाउन बोल रहा है, जैसे कि 13 इंटू 1 इंच परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन 1 एंड 3 इज नॉट अलाउड, ठीक है, जैसे कि 1899 है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे एक चीज, ठीक है, जैसे कि 1899 है, और यहाँ पे आपको बताना है कि मतलब क्या आप एडिंग सब्ट्रैक्टिंग करके यहाँ पे कर सकते हो, निकाल सकते हो, जैसे देखो यहाँ पे मैंने एक प्राइम फैक्टराइजेशन अप्रोच लिया, जैसे कि 80 80 का यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने निकाला, 99 का निकाला, इस तरह पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि 120 है, 143 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, नाइन है यहाँ पे, तो रिजल्ट क्या है आपको 120 143, तो अगर गाइज मैं यहाँ पे मैं ध्यान सुनना, 80 इंटू 1.5 करता हूँ, ठीक है, जैसे कि मल्टीप्लाई बाई 80 बाई 1.5, ठीक है, कितना आता है आपको 120, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, उसके बाद गाइज अगर मैं मल्टीप्लाई 99 इंटू 1.4,
अब ये चीज आया कहाँ से गाइस, ठीक है, ये चीज आया कहाँ से, जैसे कि 120 को मैं 80 से डिवाइड किया तो 1.5 आया, 143 को मैं 99 से डिवाइड किया तो 1.4 आया, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे गाइस ये दोनों आया, इसी को मैंने यहाँ पे 120 निकाला और 143 निकाला, ठीक है, ताकि गाइस यहाँ पे ये नंबर बने, ठीक है, ताकि ये गाइस नंबर बने, ठीक है। तो गाइज मेनली जो है आपको अप्रोच यही करना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से ऐसे सवाल बना, इसलिए मैंने यहाँ पे समझा दिया गाइज, ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल देके समझाया कि आपको मेनली प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको यहाँ पे निकालना हो, ठीक है, तब तो आपका यहाँ पे करेक्ट आना चाहिए। उसके बाद गाइज अगर यहाँ पे इसको नेक्स्ट ऑप्शन पे चेक करोगे तो वो नहीं आएगा, 110 यहाँ पे नहीं आनेगा या 169, ठीक है, जैसे कि 110 है ना, तो 110/80 करो, ठीक है, तो 110 बाई अगर मैं 80 करता हूँ, आप लोग के सामने मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो 1.3 आएगा, ठीक है, तो 80 × 1.3 करो, ठीक है, तो देखो 104 आएगा, तो 110 आएगा नहीं, 25/79 पॉसिबल ही नहीं है जाना, तो इसलिए आपको गैस पहला जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अब गैस आगे बढ़ते हैं, ये देखो एसर्शन रीजन, एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स इन हायर स्कूल इज राइजिंग इन इंडिया, द गवर्नमेंट इज गिविंग वेरियस स्कॉलरशिप, ठीक है, टू द हायर एजुकेशन, चलो सही है। अब गैस देखो यहाँ पे एनरोलमेंट की हायर एजुकेशन पे इंडिया में बढ़ रहे हैं काफी, क्योंकि ज्यादा स्कॉलरशिप मिल रहा है, ठीक है। एंड गाइस देखो इसका जो है यहाँ पे जो ये असर्शन है और इसका जो रीजन है, दोनों तो सही बात है ना गाइस, दोनों तो ट्रू है, क्योंकि स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर ली गर्ल्स को गाइस डाइवर्सिटी, आप लोग जैसे कि देखो एमबीए में भी डाइवर्सिटी पे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, गर्ल्स पे, तो दोनों ट्रू होगा और आर जो होगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि 4/12 क्वेश्चन मार्क है, 60 है, 124 है, 252 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गाइस, तो यहाँ पे देखो गाइस 4 है 12 है डैश है 60 है 124 252 है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो गाइस यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गाइस अगर हम लोग देखो तो 6 4 है ना, 6 7 8, तो 8 का यहाँ पे गैप होगा, ठीक है, फिर यहाँ पे जितना होना चाहिए हो जाए वो आपको यहाँ पे देखना होगा। फिर यहाँ पे एक चीज देखना है, इसमें कितना गैप, 60 है 40, ठीक है, 40 50 60, और ये हो जाएगा 64, ठीक है, फिर इसमें देखो कितना गैप है, ठीक है, 124 to 52, इसमें गए आप लोग का 128 का गैप, ठीक है, इतना गैप है यहाँ पे 120, मतलब यहाँ पे गाइस एक चीज देख रहे हो, टू का आई थिंक यहाँ पे गाइस आप लोग कुछ ना कुछ पावर यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। जैसे गाइस अगर यहाँ पे मैं बोल दूँ ये 2 का आप लोग इतना है क्यूब है, ये कितना आपको 2 का पावर आई थिंक ये 6 है, ठीक है। अगर गाइस मैं यहाँ पे 32 या फिर 28, ठीक है, 32 अगर रखोगे यहाँ पे तो कितना गैप आएगा, ठीक है, ये तो 20 आ जाएगा, आई थिंक 20 का गैप नहीं होना चाहिए गाइस, 28 रख के देखो 6, क्या गाइस ये देखो एक पेयर बन रहा है आपका 8 16 64 128, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 4 2 8 और 8 2 16, 2 का पावर 4, ठीक है। और अच्छा मैं एक चीज यहाँ पे भूल गया, यहाँ पे ये देखो 28 और 60 में कितना गैप होगा, यहाँ पे कितना गैप होगा 8, ठीक है, सॉरी 2 हो जाएगा,
फिर 2 का पावर 5, फिर 2 का पावर 6, फिर 2 का पावर 7। तो ऐसे गाइस यहाँ पे इसका पेयर बना सकते हो, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो गाइस ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। अब देखो कोडिंग डिकोडिंग में देखो ये एकदम अलग है, न्यू पैटर्न है मेंस लेवल का कोडिंग डिकोडिंग। देखो सन राइजेस इन द ईस्ट, सन है यहाँ पे, देखो सबका यहाँ पे एक चीज कॉमन देखना है, एन है एस है, तो देखो यहाँ पे लास्ट में ना सबका यहाँ पे एक कॉमन दिया है, यहाँ पे लास्ट डेट सबका उठा है, जैसे कि एन एस एन ई टी, देखो एन एस एन ई टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखना गाइस, यहाँ पे 6 जो है ना, 6 किसमें मैच ही नहीं कर रहा है, कितना काउंट करोगे आप यहाँ पे, 5 ही 5 ही तक है, तो 6 किसका लिया है, ठीक है। तो ये चीज आप नहीं बता सकते। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जैसे कि सन है ना, एन देखो एन किसमें है यहाँ पे, इसमें है, बट यहाँ पे तो 3 लेटर है एस यू एन। तो यहाँ पे गाइस एक चीज किया है कि ऐसे अगर 3 यहाँ पे सन है, तो 3 प्लस अगर मैं 2 करता हूँ तो 5 बनता है, और यहाँ पे 5 में यहाँ पे एन लगा दिया इसका लास्ट लेटर, और इधर से स्टार्ट किया है रिवर्स में, इसमें देखो यहाँ पे 5 है बट यहाँ पे तो 7 है, तो 5 प्लस 2 कर दिया तो यहाँ पे 7 आ गया, और 7 यहाँ पे एस लगा दिया। तो ये चीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे +2 कर रहा है यहाँ पे सभी में गाइस, ठीक है। तो इसमें भी गाइस सेम ही हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वाला यहाँ पे देखो एस है ना, तो यहाँ पे 9 लगा दिया, तो मतलब रिवर्स चलना है गाइस आपको। तो राम गोज टू स्कूल है, तो एम वाला देखो एम है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 है ना, तो 3 प्लस 2 5, तो 5 एम, तो 5 एम इधर से स्टार्ट होगा, तो 5 एम इधर से किसमें स्टार्ट हो रहा है, इसमें एक ही ऐसा ऑप्शन है इधर से, ये दोनों ऑप्शन सेम है बट आपको रिवर्स चलना है, फर्स्ट वाला लास्ट में रखना है, ठीक है, ऐसे चलना उल्टा, तो एक ही ऑप्शन है। उसी में और भी बता देते, गोज कितना 4 4 प्लस 2 6, तो 6 ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे पैटर्न देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग होता है, इसमें कोई भी चीज मैच नहीं करती है, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 11 26, ठीक है, 4 11 26 120 और 247, ठीक है, ये देखो कुछ ये हो चुका है क्या, ये दूसरा है देखो 4 11 26 डैश 120 247, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 7 आ गया यहाँ पे गैप होगा, ठीक है, इसमें कितना गैप होगा, 15 का, ठीक है, 15 गैप है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऐड हो रहा है 4 से है, फिर 7 से 15 देखोगे, तो यहाँ पे गाइस एक चीज और देखना, मैं नीचे करके देखता हूँ, ठीक है, 7 और 15 था, ठीक है, और इसमें कितना आ गया, 8 का, ठीक है, फिर इसमें कितना होना चाहिए, 7 15, ठीक है, उसके बाद जो आएगा आपका पुट करके देखो, 48 अगर पुट करोगे यहाँ पे तो कितना आएगा, गया 2 22, ठीक है, तो कितना आएगा, 7 आई थिंक आएगा, ठीक है, क्या बन रहा है यहाँ पे बताओ, आई थिंक गाइस ये नहीं आना चाहिए, 48, ठीक है, 42 भी और कम हो जाएगा, एक काम करना, 37 रहेगा, यहाँ पे ये 8,
ये कितना गैप आ गया आपको? पंद्रह 30 16 का और ये कितना तीन, ये 11 होगा, 5 6 63 आ जाएगा, तो इसका कितना गैप आएगा? तो आई थिंक यहाँ पे देखो एक पैटर्न बन रहा है आपका, सही तो जा रहा है, 8 to 16 ठीक है, 2 का पावर यहाँ पे 3, फोर सर 5 ऐसे सेम ही तो बन रहा है ना यार, 57 यहाँ पे करेक्ट होगा ठीक है, 57 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके आगे बढ़, तो देखो यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे नंबर को ड्रॉप कर दो, बाकी आपका 7th फ्रॉम द राइट है, तो नंबर को ड्रॉप कर दो ठीक है, मान लो यहाँ पे नंबर नहीं, तो आपको बताना है कि जो 7th फ्रॉम द राइट, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसा है यहाँ पे सिंपल सा है ठीक है। देखो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, शुड ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बी हाईली क्वालिफाइड इन इंडिया, ठीक है देखते हैं, ए हाईली क्वालिफाइड पर्सन इज ऑनेस्ट, ये गाइस उतना भी ड्रो नहीं, क्या सभी क्वालिफाइड पर्सन ऑनेस्ट होता है? ऐसा होता तो गाइस आज सभी इंडिया तो काफी ऊंचा रहता, मैं एक तरफ से बता रहा हूँ, दे विल अंडरस्टैंड द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल, या ये हो सकता है क्वालिफाइड पर्सन हो सकता है, नोन द नंबर ऑफ हाईली क्वालिफाइड पीपल इज वेरी लो इन इंडिया, देयरफॉर स्टेटमेंट अगेंस्ट, ऐसा भी नहीं है गाइस लो है काफी, मेरे हिसाब से यहाँ पे ओनली 2 होना चाहिए और रियल प्रॉब्लम यहाँ पे समझते हैं ठीक है। ऑप्शन 4, अब ये देखो JKLM, KLM का है, K 2 का गैप है, M NOP 2 का गैप है यहाँ पे ठीक है चलो, WXY 1 का गैप है, Y ABC ठीक है, उसके यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, STU भी यहाँ पे आ जाएगा ठीक है, उसके बाद WSC D और E आएगा यहाँ पे, भी ले जा जाएगा ठीक है, ये सब में ज्यादा टाइम पास मत करो, ये सब सिंपली एक दो करके छोड़ दो, उतना तीनों करने की जरूरत है नहीं। देखो तो फोर लेटर क्लस्टर है, M3 अलाइक है और डिफरेंट, यहाँ पे देखो यहाँ पे डिफरेंट और अलाइक बताना है, देखो ई एफ यहाँ पे एफ छोड़ा है, FGH ठीक है, और यहाँ पे IJK, चलो पहला को चेक करो, जी है ना, GH IJ ठीक है, ये क्या हो गई FG, ये FG HIJKL ठीक है, ये तो एक तरह से ठीक है, मतलब यहाँ पे देखोगे पी है ना, पी पी और क्यू, यू और बी, अच्छा एक चीज देखना है, पी क्यू यू और बी, ओ पी ठीक है, यू भी, यू और बी डब्ल्यू एक साथ आता है ठीक है, जेड के बाद एक्स ठीक है, एक्स और वाई, वाई जेड जेड वाई ठीक है, ई एफ जी एच ठीक है, डी और ई एच और आई, जी एच ठीक है, जी एच आई जे ये भी हो गया ठीक है, ई एफ जी ठीक है, के और एल,
तो यहाँ पे एक चीज देखना है गाइस, पी और क्यू है, एक आगे बढ़ रहा है जी और एच, ठीक है, यू और बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये डिफरेंट हो गया, यू इधर है पहले, फिर इधर ई, इधर आगे बढ़ रहा है, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, फिर जे के बाद इधर के आना चाहिए, इधर आ नहीं रहा है, तो इधर फट गया, तो ये आपको डिफरेंट हो गया, ऑप्शन वन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, ठीक है, डिफरेंट होगा, मतलब यही मैंने समझ नहीं पा रहा था यहाँ पे, चलिए ठीक है, तो कंफ्यूजन हो रहा था, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 30 सितंबर 2010, ठीक है। तो ये गाइस अगर आपको कैलेंडर पढ़े होगे तो आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। इसका गाइस स्टेप होता है मेनली, ठीक है, स्टेप में गाइस क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को लास्ट लेटर यहाँ पे लिखना पड़ता है, 2010 का लास्ट लेटर क्या है, 10, ठीक है, इसका लास्ट डेट। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिला हो, यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑल डेज चेक करना पड़ता है, तो ऑल डेज चेक करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, लास्ट डेट 10, 4 2 8, फिर इसका क्वेश्चन यहाँ पे लिख दो, प्लस ऐड करो, ठीक है। उसके बाद इसका डेट देखो 30 सितंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप एक सेकेंड और क्या था यहाँ पे, हाँ, इसके बाद गाइज आपको यहाँ पे कोड लिखना है मेरी, ठीक है, तो इसका जो कोड है ठीक है, मंथ का वो कोड लिखना था, सितंबर का मंथ का कोड होता है 5। उसके बाद आपको यहाँ पे ईयर का लिखना है, ठीक है, ईयर का गाइज क्या होता है, मतलब मैं एक चीज बता देता हूँ, जैसे कि 2000 से लेके 2099 का आपको कोड है 6, तो यहाँ पे आपको 6 ऐड कर देना, सबको ऐड करो, 6 5 11 12 13 3 4 5, 53 आया, 53 को गाइज यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर 7 से चेक करना है कितने और डेज, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, तो 4 यहाँ पे आया, तो 4 किस पे आता है, ठीक है, 4 आपको किस पे आता है, तो 4 गाइज आपको थर्सडे पे आता है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रिमाइंडर होता है, ठीक है, और ये आंसर होता है, रिमाइंडर अगर 1 आता है तो मंडे, 2 आता है तो ट्यूसडे, 3 आता है तो वेंसडे, 4 आता है तो थर्सडे, मतलब इस तरह 100 आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, अगर कैलेंडर पढ़ोगे तो क्लास ज्वाइन करोगे तो मेरी कैलेंडर सब सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये था आप लोगों को रीजनिंग का, SRCC का, एंड आई होप सभी को समझ में आया होगा, समझ में आया लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, तो चलो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।